मांगरोळ तालुकाना पीपोद्रा खाते डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा उत्तर प्रदेश हाट समाज सामूहिक दुष्कर्म अने हत्याનો भोग बनेल वाल्मीकि समाजनी दीकरी मनीषा तेमज कच्छना रापर में जाहिर में ज रहेसी नकायेल एवा बहुजन समाज जाणीता एडवोकेट देवजीभाई महेश्वरी ने श्रद्धांजलि अर्पण करने कार्यक्रम योजना पीपोद्रा में योजाया श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अनुसूचित जाति जनजाति तेमज समाज ना लोको मोटी संख्या में उपस्थित रही उत्तर प्रदेश ना हाथसन नी स्वर्गवास मनीषा तेमज रापर ना वकील देवजी महेश्वरी ने आत्मा ने शांति मळे ते माटे केंडल मार्च सड़गावी श्रद्धांजलि अर्पण करवामां आवी हती। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर द्वारा स्थापित समता सैनिक दल गुजरात प्रदेश संचालक आज अमे लोग अँ डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर चेरिटेबल ट्रस्ट पीपोद्रा खाते अमरा समाजना जे रापर नी अंदर देवजीभाई महेश्वरी नी जे हत्या थी है ये संदर्भे अने जे उत्तर प्रदेश नी अंदर हाथसर गामनी अंदर मनीषाबेननी साथे जे गैंगरेप थयो एमनी जीभ कापवामां आवी अने एमनी जे करपीण हत्या थी है एमने आज अमे श्रद्धांजलिनो आ एक कार्यक्रम आपेलो छे। पण ए कार्यक्रमनी अंदर हूँ अहींयानी जे आप देशनी जे निष्फळ गयेली सरकार छे ए सरकार ने कहेवा मांगू छूं कि तमे गूंगी बहेरी सरकार हवे तमारुं मोढुं खोलो। काले मैं किमनी अंदर एक इंटरव्यू आप्युं हतुं तेमां कीधुं हतुं के निर्भया कांड वखते स्मृति ईरानी जीए ते समयना वडाप्रधानशीने बंगड़ीओ फेंकेली हती तो आजे हूँ एमने ए कहेवा मांगू छूं जे आजे आप बंगड़ी नरेन्द्र मोदी ने फेंकशो खरा आ दीकरी माटे आ दीकरी दलित समाजनी छे एटले आप लोग बहार नहीं निकलता दलित समाज की दीकरी नहीं आ भारत देश की दीकरी है अने एक कांड हजी पूरा नहीं थत तो आ बीजो कांड बलराम अंदर शुरू थी जाए तो आ दलित समाज पर अवारनवार एससी एसटी समाज की दीकरी पर थता अत्याचारों तमे बंद करो अमने मजबूर ना करो तमे एवा मजबूर ना करो कि अमे कलम मूकी अने गैरसंविधानिक मार्गे दौराई एवं अमने मजबूर ना करो अमे विनंती करीए छीए अगर अमे मजबूर जो अमे मजबूर कर रस्ता पर उतरी गया तो पछी तमारी कोई ताकत अमने रोकी सकवानी नथी। आजे क्या प्रकार कार्यक्रम थे आज अमे एससी एसटी समुदाय दरेक व्यक्ति अँ भेगा थई अने बेन ने अमे श्रद्धांजलि कार्यक्रम आपवाना छीए मीणबत्ती सड़गावी अने त्यार पछी एक शांतिपूर्ण रीते समाजनी अंदर जागृति कार्यक्रम आपी अने बेन ने श्रद्धांजलि आपवाना छीए। भीम साहेब आंबेडकर फाउंडेशन प्रसंग आज अमारे समाज की दीकरी मनीषा अने बलरामपुर जे अमारी दीकरी ने बलात्कार कर आ नराधम थकी अने कच्छना रापर में अमारा हुनहार एडवोकेट देवजी भाई महेश्वरी ने जे हत्या कर संदर्भ में पीपोद्रा चेरिटेबल ट्रस्ट मुकामें अमे केन्डल मार्च अने सरकार ने मैसेज आप भेगा थे। आ शासन प्रशासन में यूपी में जे अमारी मनीषाबेन ने जो करपीण हत्या करी एने बराटकर नरधम तरीके करलायकी अने ये जो कहवा तो शासन प्रशासन तो मारी बहन दीकरी ने अने मने तो अमने तो हूँ दावा करूँ छूँ कि अमारी मनीषाबेन ने जीवती रातना अढ़ी वगे वन नगड़ा में सड़गाई दी एना माँ बाप ने एने सुद्धा मोड़ू जवाब देवामां आव्युं नथी। आजे पण मीडिया थकी के कोईपण ने ए स्थळ सुधी जवाब देवामां नथी आवती। आ यूपी सरकार आ बेटी बचाओ अने बेटी पढ़ाओनी वातो करती होय पण आ देशना शासनकर्ताओ बेटी बचाओ नहीं बेटी जलाओ ने कार्यक्रम करेला छे। आ देशना जे शासनकर्ता बैठा छे ए बे ओलाट छे एने ओलाटनुं शुं भान होय जेथी अमारी दीकरीओने अने दलितों ने दीकरीओने दलितना कार्यकरो ने वारंवार हत्या करवामां आवी रही छे ए हत्याओ हवे अमारी समाज साखी लेशे नहीं अने अमे अत्यारे आ भानुभाई कीधुं तेम अमे आ उग्र आंदोलन करवानी पर तैयारी में अमे छीए केम के हवे अमे आवेदनपत्रो आपीने अमे थाकी गया छे पर अमारा आवेदन थकी आ मूंगी भेळी सरकार कोईपण ध्यान लेती नथी जेथी हवे अमे तमाम समाज अने तमाम संगठनों एकत्र थईने आ सरकार ने बतावी देवामां मूळमां छीए। ओके भाई बाबरभाई वसावा बीटीएस प्रमुख सूरत जिल्ला आज रोज डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर चेरिटेबल ट्रस्ट पीपोद्रा मुकामे राखवामां आवेल श्रद्धांजलि बाबते जणावानुं के यूपीनी अंदर जे हाथरस मुकामे बेन मनीषाबेन तेमज रापर मुकामे देवजीभाई महेश्वरी हत्या करवामां आवेल छे
યુપી મુકામે બળાત્કાર કરીને એમને મારી નાખવામાં આવેલા છે. દુઃખની વાત એ છે કે આ ઇન્સાનને એક ઇન્સાનગી તરીકે પણ જોવામાં આવતું નથી અને માત્ર ને માત્ર દલિત સમાજને ટાર્ગેટ બનાવવામાં આવે છે. સોનાની ચેઇન કરવામાં આવે તો એ મારવામાં આવે છે, ઘોડા પર કહેવામાં આવે છે બેટી બચાવો એ વાતો કરવામાં આવે છે, સુફિયાની સલાહ આપવામાં આવે છે, પરંતુ બેટીને ચલાવવામાં આવી રહી છે. આજે સમગ્ર ભારતના દેશની અંદર જે પડઘા પડી રહેલા છે એના પરથી સાબિત થાય છે કે આપણે જે ભાઈચારાની રીતે જીવતા હતા તેના બદલે એક જિંદા રાજ જેવું વાતાવરણ સર્જવામાં આવી રહ્યું છે. અને આવે ને આવી રીતે જો રાજ ચાલશે તો આપણે આપણી એકતા થકી આપણે ઘરની બહાર નીકળવાનો સમય આવી ગયેલો છે. જો આપણા એકતા નહીં હશે અને જો આપણે ઘરની બહાર નહીં નીકળીશું તો આવનાર દિવસોની અંદર આપણી પેઢી પણ આપણે બચાવી શકશું નહીં. ડૉક્ટર બાબા સાહેબે પોતાનું સમગ્ર જીવન સમાજને માટે ખર્ચી લાગ્યું છે, તેમ છતાં આજે આપણે ડૉક્ટર બાબા સાહેબને સમજી શકતા નથી. અને જેના પ્રતાપે આજે જ્યાં જુએ ત્યાં બાબા સાહેબને દ્વારા આપણા ગુજરાતની અંદર 1989ની અંદર આદિવાસી તેમજ આપણા અત્યાચાર ધારો દાખલ કરેલો છે. આજે અત્યાચાર થયો 14 સપ્ટેમ્બરના દિવસે, તેમ છતાં લગભગ અઠવાડિયા પછી FRI કરવામાં આવે છે. કાયદા તો એમ કહે છે ભાઈ તમારે 24 કલાકની અંદર FRI થવી જોઈએ, તો છતાં પણ આપણા માણસ ઉપર આટલો બધો અત્યાચાર ગુજરે છે, છતાં પણ આપણા માટે કાયદો નથી લાગતો, આપણા માટે કાયદો લાગે છે બીજાના માટે કાયદો નથી લાગતો. અને આવા જે નરાધમો છે એ નરાધમોને સામે ખરેખર તો જાહેરમાં ફાંસી આપવી જોઈએ કે જેથી કરીને સમગ્ર લોકો જુએ અને એનાથી એના થયે કે ભાઈ આવા કામ નહીં કરવા જોઈએ. તો મારી આ વિનંતી છે કે આપણે હવે આ સમય એવો આવી ગયેલો છે એકતાનો, અને એ રીતે આપણે ઘરની બહાર જરૂરી છે કારણ કે આવનાર આપણી પેઢીને બચાવવાની છે. બસ.